हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित सांगी, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर। आज हम लोग हेपेटाइटिस बी और उससे होने वाली लीवर बीमारियों के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस बी इंडिया में बहुत ही कॉमन है। लगभग 4 से 5% लोग इस इन्फेक्शन से ग्रसित हैं। हेपेटाइटिस बी लीवर के अंदर धीरे धीरे लीवर को डैमेज करता है, और जब लीवर 70 से 80% तक डैमेज हो जाता है, तब लीवर डैमेज से होने वाली प्रॉब्लम जैसे कि पीलिया होना, पेट में पानी भरना, खून की उल्टी होना, बेहोशी आना, ये सब चीज़ आती है। इससे पहले पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते या वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। हेपेटाइटिस बी फैलने के मुख्य कारण है बॉडी का इन्फेक्टेड ब्लड से एक्सपोज होना। इसमें सबसे मुख्य कारण होता है मदर से बेबी के अंदर इन्फेक्शन ट्रांसमिट होना। दूसरा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स है। तीसरा, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड से स्टेन या उससे लगे हुए ब्लड से यूज रेजर का, निडल का यूज करना होता है। हेपेटाइटिस बी अगर किसी पेशेंट को हो जाता है, स्पेशली अगर वो चाइल्डहुड में होता है, तो वो इनक्योरेबल होता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन एडल्ट एज में होता है, जो कि जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो ये माना जाता है कि 90 से 95% केसेस में वो इन्फेक्शन हम क्योर कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी लीवर को न केवल लीवर को परमानेंटली डैमेज करता है, बल्कि उसमें कैंसर का भी एक बहुत बड़ा कारण है। हेपेटाइटिस बी का एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हाँ, लेकिन इस तरह की दवाएं अवेलेबल है। अगर हम लीवर को डैमेज करने से पहले वो दवाएं स्टार्ट करते हैं, तो लीवर में होने वाला डैमेज रोका जा सकता है। इसके लिए अगर आपके परिवार में या आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। और इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिसमें अल्ट्रासोनोग्राफी हैं, कुछ ब्लड टेस्ट हैं, वो टेस्ट करके हम लीवर में हुए डैमेज के बारे में पता करते हैं, और उसके आधार पर हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद में आगे आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लीवर बीमारियों से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन होती है, उसको रोका जा सकता है। इवन कैंसर को भी होने से रोका जा सकता है।